बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्हाट्स। आज की स्पेशल वीडियो में एक्वेरियस यानी बुर्ज दल कुंभ राशि के हवाले से हम बात करेंगे। 12 जुलाई से 26 अगस्त तक इनका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सुपर पावर्स फॉर 45 डेज, 45 दिनों तक ये सुपर पावरफुल होने जा रहे हैं। गुरु और मंगल का जो गठजोड़ हो रहा है, यानी गुरु यानी कि जुपिटर, मंगल यानी कि मार्स, इनका गठजोड़ तो हो रहा है सुपर पावरफुल होना और हर लिहाज से इनको फायदा देना। और सबसे बड़ी बात, मंगल पे शनि की तीसरी दृष्टि यानी शनि की तीसरी दृष्टि मंगल पे पड़ना, उसको सुपर पावरफुल करना, ये भी काफ़ी हद तक एक्वेरियस के फायदे में रहेगा। एक्वेरियस पे से साठ सत्ती का यानी जाती भी, यानी अब साठ सत्ती का मिडल इनका दौर चल रहा है, लेकिन साठ सत्ती भी भरपूर तरीके से काबू में आते नजर आएगी। यानी साठ सत्ती या साढ़े सात साल का जो स्ट्रगल वाला टाइम है, उसका जोर का टूटना या उसके जोर का कम होना, ऐसा इन 45 दिनों में देखा जाएगा। यानी अगर तरक्की करना है, अगर आगे प्रोग्रेस करना है, तो ये 45 दिन ऐसे रहेंगे जिसमें साठ सत्ती भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। हर लिहाज से मुस्तहकम, स्टेबल होना लाइफ में, लग्जरियस लाइफ को इंजॉय करना, हर तरह से तरक्की करते हुए ये लोग नजर आएंगे। अच्छा पैसा बनाना, तेज तरीन दौलत समेटना, और गुरु मंगल ही नहीं बल्कि यहाँ पर सूरज की अगर हम बात करें, सन की बात करें, यानी वीनस, यानी वीनस की बात करें यानी शुक्र की, और सूरज की जैसे हमने बात की, और उसके अलावा मर्क्यूरी यानी बुध के हवाले से बात करें, गुरु यानी जुपिटर के हवाले से बात करें, इन चारों के सैयारों का गठजोड़ होना और साथ में दो ग्रही, त्रिग्रही और चंद्रग्रही राजयोग बनना, ये भरपूर तरीके से फायदा देगा। साथ में मालव्य नाम का बड़ा राजयोग शुक्र की वजह से बनना पैसे के भरपूर इजाफे का बाइस बनेगा एक्वेरियस के हवाले से। और एक्वेरियस के लिए साठ सत्ती के दौरान भी बहुत कुछ हासिल करना, अचीव करना पॉसिबल रहेगा। अच्छा पैसा बनाना, बैंक बैलेंस बनाना, कर्जे कम करना और बहुत कुछ आगे की वीडियो में बताने जा रहे, जो इन 45 दिनों में होते हुए एक्वेरियस को नजर आएगी। जैसे कि आप सब जानते हैं, 12 जुलाई से 26 अगस्त ये एक ड्यूरेशन रहेगा, यानी 45 दिन का ये ड्यूरेशन, जो भरपूर तरीके से बड़े बड़े चेंजेस यानी आपको सुपर पावरफुल करते हुए, आपके जोडिक साइन को सुपर पावरफुल करता हुआ नजर आएगा। हर लिहाज से इन 45 दिनों में अपनी इज्जत, दौलत, शौहरत, कारोबार, करियर, मोहब्बत और कामयाबियों के हवाले से बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनोगे। इन तमाम का एक बड़ा सुनामी यानी कि नॉन स्टॉप सुनामी आना इन 45 दिनों में मुमकिन रहेगा। हर लिहाज से तरक्की करते हुए और अपने मासी के तमाम लॉसेस को रिकवर करते हुए आप लोग नजर आओगे। मंगल की अगर हम बात करें तो मंगल आपके अंदर एनर्जी पैदा करने वाला, यानी कि मार्स की अगर हम बात करें तो आपको एनर्जी देने वाला, आपके एनर्जी लेवल को इजाफा करने वाला, आपके सुखों में इजाफा करने वाला, आपकी परेशानी से आपको निकालने वाला सैयारा माना जाता है। आपकी लव लाइफ को मजबूत बनाने वाले, आपकी मैरिड लाइफ के अंदर बड़ी तब्दीलियां लाने वाला यानी उसको भी मजबूत करने वाला सैयारा माना जाता है मंगल को, और भरपूर तरीके से धन दौलत से नवाजने वाला सैयारा मंगल को माना जाता है यानी मार्स को। और इसका वृषभ राशि ने मेष राशि को छोड़ के यानी एरीज को छोड़ के ये टॉरस में जा रहा है, और एरीज से टॉरस का ये सफर आपके लिए, आपके बुर्ज के लिए बड़ा जबरदस्त रहने वाला है, माला माल करने वाला यह सफर रहेगा। 45 दिनों तक अपनी अकलानी ताकतों में इजाफा देखना, अपने माली मामलात में इजाफा देखना, अपने घरेलू हालात में अच्छा वक्त देखना, यानी आपका सपोर्ट करने वाले लोग ज्यादा हो जाएंगे, आपके फैमिली का सपोर्ट रहना, हर तरफ से सपोर्ट का मिलना और अपने ख्वाहिशात की तकमील का देखना, ऐसा इन 45 दिनों में यानी के 12 जुलाई से लेके 26 अगस्त तक मुमकिन होता हुआ आपके लिए नजर आएगा। अब टॉरस में वैसे भी आप सब जानते हैं चंद्रग्रही राजयोग बना हुआ, यानी कि चार सैयारों का गठजोड़ यहाँ पे मौजूद है, यानी कि यहाँ पर आपको सूरज भी मिलेगा, यहाँ पे आपको शुक्र यानी वीनस के जलवे भी नजर आएंगे, यहाँ पर आपको गुरु यानी जुपिटर भी मिलेगा, और फिर आपको मर्क्यूरी के भी जलवे नजर आएंगे, फिर मंगल का भी, यानी मंगल का भी अब सुपर पावरफुल होना और उस पर तीसरी दृष्टि शनि की पड़ना, यानी शनि हर लिहाज से वक्री तो हो गया है लेकिन इसके वक्री होने के बाद भी इसका सुपर पावरफुल करना मंगल को काफ़ी हद तक आपके लिए भी बड़ा ज़बरदस्त साबित होगा। और ये 45 दिनों तक अपनी ख्वाहिशात की तकमील का करना यानी अपनी मैनिफेस्टेशन का सच होना, अपने हाइएस्ट प्रॉफिट का लेना, अपने डेली इनकम, डेली वेजेस, आप में से जितने भी लोग रोज कमा के रोज खाते हैं उनकी इनकम में भरपूर इजाफा होना, यानी आपका लाभ का घर, आपके फायदे का घर और आपके इनकम का घर दोनों का एक्टिवेट होना, साथ में आपके सेकंड हाउस यानी कि आपकी दौलत का घर जो कि आपके धन दौलत, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी का घर है, उसके अंदर भी भरपूर इजाफा होना, उससे भी अच्छा पैसा बनाना आपके लिए मुमकिन बनेगा इन 45 दिनों के अंदर। साथ में टॉरस में चूंकि पहले से गुरु मौजूद है, गुरु यानी जुपिटर और मंगल यानी मार्स का गठजोड़ होना और इनका दो ग्रही राजयोग बनाना हर लिहाज से आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। उसके बाद फिर ये सूरज के इंटरेक्शन में आके या
मर्क्यूरी के इंटरेक्शन में आके ये दो ग्रही के बाद त्रिग्रही और चतुर्ग्रही राजयोग भी बनाएगा, यानी हर लिहाज से आपके लिए फायदा होने। टॉरस में इन चार सैयारों का की मौजूदगी हर लिहाज से आगे 1.5 महीने तक आपको भरपूर फायदा देगी, यानी 45 दिनों तक भरपूर फायदा आप लोग उठाते हुए नजर आओगे। और याद रखिएगा, गुरु मंगल का ये राजयोग आपको कहां से कहां ले जाएगा, यानी कि आपके माजी में जितने लॉसेस आपने किए थे, जितने नुकसान किए थे, उनकी भरपाई का होना, उनका रिकवर करना, या इतना पैसा बना लेना कि आप उनको रिकवर करते हुए माजी के लॉसेस को फाइनेंशियल गेन्स में कन्वर्ट करते हुए नजर आओगे। याद रखिएगा, मंगल मार्स हमेशा दौड़ भाग करवाता है, आपकी बहुत ज्यादा दौड़ भाग का होना। शुक्र आराम करवाता है, यानी सुकून वाली लग्जरियस लाइफ देना, चमकती दमकती सोना की, यानी जो शुक्र का मालव्य नाम का बड़ा राजयोग, ये भी यानी शुक्र यानी वीनस का हर लिहाज से आपको फायदा देता हुआ नजर आएगा। और साथ में आराम पसंद लाइफ आपकी हो जाएगी, यानी कि आसाइशों का होना, लग्जरियस लाइफ का होना, रॉयल लाइफ स्टाइल का होना, एक स्टेबल लाइफ का होना ऐसा मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा, मंगल आपको यानी मार्स आपको पिछले कई सालों से दौड़ भाग करवा रहे, पिछले 1.5 साल से स्पेशली, लेकिन अब चूंकि 45 दिनों के लिए ये आ जाएंगे वृषभ राशि यानी टॉरस के अंदर। टॉरस के अंदर मंगल का आराम करना, आराम करने से मुराद है कि इसका ठंडा हो जाना या इसके अंदर भरपूर फल का देना, यानी ये ऐसी हालत में आ जाएंगे कि यहाँ पे अपने से भी पहले से ज्यादा फल देना शुरू होंगे। और उसकी वजह ये होगा कि शनि की तीसरी दृष्टि इनको सुपर पावरफुल करेगा, और इनका सुपर पावरफुल होके वृषभ यानी कि टॉरस में आना हर लिहाज से आपके लिए भी फायदेमंद साबित होगा, आपको भरपूर फायदे मिलते हुए इससे नजर आएंगे। माजी में आपने जो प्लानिंग्स की थी जो एग्जीक्यूट नहीं हो पाई, जो बेकार हो गई, उनका अब काम में आना, यानी कि माजी के प्लानिंग्स को एग्जीक्यूट करना। माजी में आपने कुछ सोचा था कारोबार करने के बारे में, या जॉब करते हुए पार्ट टाइम कारोबार करना, या जॉब करते हुए डबल जॉब करना, यानी कि मल्टीपल जॉब्स का करना, ये सब मुमकिन बनेगा। या इस जॉब से स्विच होकर दूसरी जॉब में जाके अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ जॉब करना, ये भी आपके लिए मुमकिन बनता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग अगर आप करने जा रहे हो तो ये 45 दिन ये 45 डेज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, और इसका भरपूर फायदा आप लोग उठाओगे। आप में से जो लोग ब्यूटिशियंस हैं, या जो ब्यूटी पार्लर वगैरह चलाते हैं, या फिर जो जिम चलाते हैं, यानी कि खवातीन या मर्द हजरात का जिम चलाना, एरोबिक्स वगैरह योगा वगैरह करवाते हैं, या फिर जो मेहंदी वगैरह का काम करते हैं, या फिर किसी भी तरह से फैशन डिजाइनिंग से जुड़े हुए लोगों के कपड़े सीना, या डिजाइनर क्लोथ्स बनाना, या शादी ब्याह के कपड़े सीना, ये सारे काम, टेलर्स हैं जो दर्जी वगैरह का काम करते हैं, उनका भी भरपूर फायदा होना, इन 45 दिनों में अच्छा पैसा बनाते नजर आएंगे। इसके अलावा फ्लावर्स वगैरह प्रोवाइड करने वाले, यानी फ्लावर्स की डेकोरेशन करना, या कमरे की डेकोरेशन करने वाले, शादी ब्याह के हवाले से घर की डेकोरेशन करने वाले, कैटरिंग करने वाले, शादी ब्याह से जुड़ा कोई भी काम करने वाले, या कोई इस तरह के कोई प्रोग्राम वगैरह हो रहा है उसके लिए सारे सामान वगैरह प्रोवाइड करना, साउंड सिस्टम वगैरह, मूवी मेकर्स हैं, ये सब बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे इन 45 दिनों में, यानी कि 12 जुलाई से, जो अब 2-3 दिन के बाद शुरू हो जाएगा, 12 जुलाई से 26 अगस्त तक भरपूर पैसा समेटते नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात ये कि मंगल के ऊपर, मार्स के ऊपर किसी भी पापी ग्रह, किसी भी बुरे इम्पैक्ट का असरात नहीं है, कोई नेगेटिव असरात नहीं, इसलिए ये भरपूर फल देता हुआ और सुपर पावरफुल होके इन 45 दिनों में आप तमाम को भरपूर फायदा देता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा, मंगल यानी मार्स के पावर्स में भरपूर इजाफा होना आपको भी सुपर पावरफुल करेगा, आपकी शक्तियों में, आपकी ताकतों में इजाफा करना, आपके थॉट प्रोसेस में इजाफा करना, आपके सोचने समझने के अकलानी ताकतों में इजाफा होना, हर लिहाज से ऐसे फैसले करोगे जो आपकी पर्सनल लाइफ और आपके प्रोफेशनल लाइफ में 4 चांद लगा देंगे। हर लिहाज से कर्जों से आज़ादी का मिलना, कर्जे कम करना या ख़त्म करना, बीमारियों से बाहर आना, प्रॉपर मेडिकेशन होना, जो दुश्मन आपकी जॉब कारोबार आपके घर में प्रॉब्लम्स की वजह से उनको पछाड़ देना, अपने दुश्मनों को कुचलते हुए आगे निकल जाना, यानी अपने कॉम्पिटिटर्स राइवल्स को भी पीछे छोड़ देना, ऐसे कुछ मामला होने, कारोबार में अच्छा वक्त देखना, कारोबार से हाईएस्ट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट का कमाना या रेवेन्यू भरपूर जनरेट कर पाना, ये आप तमाम के लिए मुमकिन रहेगा। हर लिहाज से अच्छा पैसा बनाना, अच्छी तेज तरीन तरक्की देखना आपके लिए मुमकिन होगा। अपनी जॉब में भी अच्छा वक्त देखेंगे, जॉब के अंदर बड़ी बड़ी खुशखबरियों का सुनना, सैलरी अलाउंसेस में इजाफा होना, और साथ ही साथ आपके ट्रांसफर के साथ आपके पैसे के, यानी कि आपके ट्रांसफर के साथ आपके सैलरी पैकेजेस में इजाफा होने के योग बनना, हर लिहाज से आपके बॉसेस के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग कर रहना, रिकॉग्निशन अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाना, करियर और कारोबार दोनों में अच्छा वक्त देखोगे, भरपूर तरीके से तरक्की करते हुए आप लोग नजर आओगे। माजी में आप पे जो इल्जाम लगाए गए, जो आपकी इमेज बिगड़ेगी, उसको सही करते हुए इन 45 दिनों में, यानी कि 12 जुलाई से लेके 26 अगस्त तक आप लोग देखोगे 1.5 महीने तक भरपूर तरीके से अपनी इमेज को सही करना, अपने अपने आप को बूस्ट करना, ये यूं कह ले
अपनी पर्सनैलिटी को जबरदस्त तरीके से चेंज करना, फायदा उठाना, ये भी आपके लिए मुमकिन बनेगा। आपके सेकंड हाउस में मंगल और गुरु का संगम होना, यानी सेकंड हाउस आपके धन दौलत का घर है, आपकी धन दौलत आपके पैसे के घर में उछाल का आना, यानी गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी पैसा इसका बढ़ना ये मुमकिन बनेगा। सेकंड हाउस आपके जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से भी अच्छी खबरों का, यानी हर लिहाज से कम्युनिकेशन स्किल्स यानी बोलचाल वाला कोई भी काम करते हैं, एडवोकेट हैं या जर्नलिस्ट हैं या फिर ड्रामा आर्टिस्ट हैं या फिर न्यूज एंकर है या फिर किसी भी तरह से बोलचाल वाला एंटरप्रेन्योर वगैरह है, तो हर लिहाज से भरपूर पैसा कमाते हुए आप लोग इन 45 दिनों में 1.5 महीने में देखोगे। यहाँ पर सेकंड हाउस आपके परिवार आपके खानदान का घर भी है, तो अपने खानदान में एक स्टेबिलिटी का देखना, आपका कनेक्शन अपने फैमिली मेंबर्स के साथ अच्छा होना, जो माजी में सपोर्ट नहीं करते थे या आप जो भी इनके लिए करते थे अब उसका उलट होता है, यानी कि अब पलट के ठेंगा दिखा देना या आपकी मदद ना करना, आपको सपोर्ट ना करना, ऐसा आपने देखा है, तो अब कुछ 45 दिनों में ऐसा होगा कि फैमिली मेंबर्स का आपको सपोर्ट करना, आपके वालिद आपके बड़े भाई आपकी वालदा का सपोर्ट करना, आपको कारोबार शुरू करना चाह रहे आपकी वाइफ आपके हस्बैंड का सपोर्ट करना, हर लिहाज से तमाम फैमिली मेंबर्स का आपको सपोर्ट करना बनेगा। यानी इस तरह के आप कोई कारोबार करना चाहते हैं, पैरामोल जाके जॉब या कारोबार करना चाहते हैं या फिर कोई जॉब के हवाले से कोई नया स्टेप लेना चाह रहे हो, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो, कोई सेविंग्स के हवाले से कुछ करना चाह रहे हो, कुछ नया काम करना चाह रहे हो लेकिन पॉसिबल नहीं हो पा रहा, अब फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट भी इन 45 दिनों में यानी 12 जुलाई से 26 अगस्त तक आपको मिलता हुआ नजर आएगा। साथ में पांचवें घर का एक्टिव होना, हर लिहाज से औलाद का सुख का मिलना, यानी कि इन 45 दिनों में औलाद के हवाले से औलाद के कंसीव करने के हवाले से कोई बड़ी खुशखबरी का सुनना, आपकी औलाद गलत संगत में है, ड्रग्स या नशे के आदि हो गए या गलत लोगों में उठना बैठना, उनका सही ट्रैक पे आना और हर लिहाज से आपको सपोर्ट करना, यानी घर में पैसे लाना कमा के और आपको सपोर्ट करना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। इसके अलावा आपकी अकलानी ताकतों में इजाफा होना, आपके थॉट प्रोसेस में इजाफा होना, आपकी समझ बूझ में इजाफा होना, जो भी फैसले करोगे टू द पॉइंट वेल टेकन कैलकुलेटेड होंगे, ये सब पांचवें घर के फायदे आपको मिलेंगे इस 45 दिनों के अंदर, यानी कि हर लिहाज से अच्छा कुछ करते हुए और आपके प्रेम प्यार के रिश्तों का अच्छा बनना, जो ट्रस्ट इश्यूज थे लड़ाई झगड़े थे वो खत्म होते नजर आएंगे और इन 45 दिनों में आपके प्रेम प्यार के रिश्तों का बढ़ना, मोहब्बत का तड़का लगना इसमें और हर लिहाज से खुशहाल जिंदगी गुजारना ये आपके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। आपके एजुकेशन के हवाले से अच्छी खबरों का सुनना, आपका लर्निंग एबिलिटी का बढ़ना, आपके मेमोराइजेशन पावर का बढ़ना, आपके अच्छे मार्क्स का लाना, आपके कॉम्पिटिशन कॉन्टेस्ट में कामयाब होना, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, ये सब भी इन 45 दिनों में यानी कि 26 अगस्त तक मुमकिन होता हुआ आप तमाम के लिए नजर आएगा। हर लिहाज से पांचवें घर का भरपूर फायदा उठाते हुए यानी तमाम प्रॉपर्टीज का फायदा उठाते हुए आप लोग नजर आओगे। आपकी किस्मत का जो रूलिंग लॉर्ड है उसका मंगल के साथ बैठना, हर लिहाज से दोनों का गठजोड़ होना और दो ग्रही राजयोग बनाना, आपकी किस्मत को भी एक बड़ा झटका मिलेगा। किस्मत का भरपूर साथ देना इन 45 दिनों में, 1.5 महीने तक किस्मत भरपूर साथ देगी। कोई कोर्ट कचहरी के केसेस है, कोई पुलिस केस बना है, कोई FIR कटी हुई है, कोई मामले में आप फंसे हुए हो, कोई फैसला नहीं हो पा रहा उससे बाहर आते हुए, मुकदमा आपके हक में होता हुआ यानी तमाम मामला आपके हक में होते हुए नजर आएंगे। कोई इन्वेस्टमेंट करना है, कोई प्लानिंग करना है, कोई बैरनमोर जाना चाहते हैं, कोई भी बड़ा फैसला करना इस दौरान में इन 45 दिनों में 1.5 महीने में भरपूर तरीके से आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। चूंकि बृहस्पति यानी जुपिटर आपके 12th हाउस का भी रूलिंग लॉर्ड है, तो यहाँ 12वें घर का मतलब है कि आपके बैरनमोर जाने, अगर आप विलिंग हो तो बैरनमोर जाओगे, वहां जाके जॉब कारोबार करके अच्छा पैसा कमाना शुरू कर दोगे। जो ओवरसीज ऑलरेडी बैरनमोर पे मौजूद है लेकिन जॉब नहीं है, जॉबलेस है, तो उनका जॉब का मिलना, अच्छा पैसा कमाना इनके लिए मुमकिन रहेगा। हर लिहाज से बेहतरीन करते हुए नजर आएंगे और सबसे बड़ी बात खर्चे बढ़ेंगे, याद रखिएगा खर्चों पे कंट्रोल कीजिएगा इन 45 दिनों में 1.5 महीने में अखराजात बहुत बढ़ेंगे। बिना वजह के खर्चे बगैर सोचे समझे खर्चा कर देना ये काफी बर्डन लगेगा, इससे आपको बचना पड़ेगा। याद रखिएगा 12वां घर आपके एक्सपेंशन का भी है, बढ़ोतरी यानी हर चीज में इंक्रीज का होना, तो इसका भी फायदा आपको इन 45 दिनों में मिलेगा, हर चीज में इजाफा होते हुए आप लोग देखोगे। याद रखिएगा 12वां घर बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को भी दर्शाता है, बड़ी बड़ी चेंजेस, तरक्की की सीढ़ी यानी आप तरक्की करते हुए नजर आओगे इन 45 दिनों में 1.5 महीने में। इन 45 दिनों में अपनी नॉलेज को बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हुए अभी आप लोग नजर आओगे। इन 45 दिनों में कोई नई इन्वेस्टमेंट करना, कहीं नई जगह पैसे लगा के भरपूर पैसे को बढ़ाना, ये भी आपके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा मंगल 7वीं नजर से आपके 8वें घर को देखेगा, तो ये बड़े परिवर्तन को दर्शाता है, आपकी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस का आना। अकल्ट साइंसेस का सीख के यानी एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी जेमोलॉजी पामिस्ट्री वगैरह सीख के अच्छा पैसा बनाना आपके लिए मुमकिन रहेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हवाले से काम करते हो उसमें भी भरपूर पैसा कमाना आपके लिए मुमकिन रहेगा। हर लिहाज से तरक्की करते आगे बढ़ते नजर आओगे और बड़े परिवर्तन का मतलब है कि तमाम मामलों में बड़े बड़े चेंजेस इन 45 दिनों में देखने के लिए आप लोग तैयार रहिएगा।
सबसे बड़ी बात आपके कर्जे, आपको छठे घर का एक्टिवेट होना, आपके कर्जे कम करते हुए कर्जा खत्म करते हुए नजर आएगा, बीमारियों से बाहर आना, आपके दुश्मनों को पछाड़ पाना जो आपको बड़े परेशान किए हुए थे, और फिर तरक्की के रास्ते हमवार होना ऐसा आपको नजर आएगा। यहाँ पे दो कंडीशंस, या तो अपनी नौकरी में बड़ी पोस्ट पे जाना, कोई गवर्नमेंट जॉब का मिलना, अच्छी पोस्ट पे अच्छे सैलरी पैकेजेस एंजॉय करना, या कारोबार की तरफ चले जाना और कारोबार में अपना नाम कमाना, अच्छा पैसा बनाना, ये आपके लिए मुमकिन होता नजर आए। आप में से जिनकी शादियां नहीं हुई उनके शादी के योग बनेंगे, जिनके रिश्ते नहीं बने उनके रिश्तों का योग बनना, या सेकंड मैरिज अगर दूसरी शादी करना चाह रहे उसमें कामयाबी मिलना, जो डाइवोर्स लेना चाहते हैं यानी आप अपनी वाइफ या हस्बैंड से डाइवोर्स लेना चाहते हैं, आप तंग हैं अपनी इस अजदवाजी जिंदगी से, तो उसमें भी कामयाबी मिलने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। यानी ये वो वक्त है जब आप सुपर पावरफुल, जब मंगल और गुरु यानी जुपिटर और मंगल यानी जुपिटर और मार्स का गठजोड़ हो रहा है और ये सुपर पावरफुल हो रहे हैं, तो हर लिहाज से आपको भी सुपर पावरफुल करेंगे और सैयारों की बेहतरीन पोजीशन ये 45 दिन आपके लिए सोने पे सुहागा बनाने वाले हैं। हर लिहाज से 12 जुलाई याद रखेगा, 2-3 दिन बाकी है, 12 जुलाई से लेके आपका 26 अगस्त यानी 45 दिन, डेढ़ महीना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें इबादत बंदगी का करना, मेडिटेशन करना, अल्लाह को याद करना और हर लिहाज से मजहब से जुड़े रहना इन 45 दिनों को आपके लिए जबरदस्त बनाने वाला है और बहुत बड़े बड़े फायदे आप लोग उठाने वाले। आपकी ख्वाहिशात की तकमील का होना, हाईएस्ट प्रॉफिट का लेना, आपके इनकम में, आपके पैसे में, आपके डेली वेजेस में इजाफा होना, हर लिहाज से अपने जो प्लान्स किए उसको एग्जीक्यूट होते हुए देखना, कामयाबियां मिलना अपनी जॉब में, अपने कारोबार में, अपने ऑनलाइन बिजनेस में, जमीनों जायदाद के मामलों में, और सबसे बड़ी बात किस्मत भरपूर तरीके से आपका साथ देते हुए नजर आएगी। हर लिहाज से खुशहाल होते हुए और अच्छी तरक्की करते हुए आप लोग नजर आओगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बाकी के जॉडिक साइन भी अपनी वीडियो इसी टॉपिक पे इन 45 डेज, इन पावरफुल 45 डेज के हवाले से देख पाएंगे। सामने लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके अल्लाह हाफिज़।